दिन में पेट की सफाई फॉलो करें ये डिटॉक्स डाइट। मौसम बदल रहा है, हवा में चुभन सी महसूस होने लगी है, इस समय किसी नई तरह की डाइट आजमाने और पहले से काफ़ी बदलाव में काम कर रहे हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर और दबाव डालने की बजाय मेरा कहना है कि आप अपने पेट की सफाई कर लें, अपने पेट और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अहमियत दें क्योंकि ये आपकी सेहत का आधार है। ये वो जगह है जहां आप जो भी खाते हैं सबसे पहले पहुंचता है, इसीलिए आपके शरीर में पोषक तत्व की आपूर्ति इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी पाचन प्रणाली कितनी दुरुस्त है। इसके अलावा यह वायरस और बैक्टीरिया से आपकी रक्षा करने में सबसे पहले आता है। यही वजह है कि आपके पेट की खराब सेहत का संबंध सीधा आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी से है। ये बिना वजह वजन बढ़ने या कम होने, दर्द, पोषक तत्व की कमी, चिंता और मूड स्विंग का कारण भी होता है। आंतों की सफाई के लिए इतनी वजह काफ़ी है। इसके अलावा हम सभी टॉक्सिक लाइफ जीते हैं और हमारी आंत हर समय इसका निशाना बनती रहती है, इसीलिए नियमित रूप से इसकी पूरी तरह से सफाई की ज़रूरत होती है। खासकर जैसे कि मैंने कहा, बदलते मौसम के दौरान आंत की सफाई कैसे करें। आंत को साफ करने का बेसिक आइडिया यह है कि कुछ फूड से परहेज किया जाए जिससे आपकी आंतों में बैड बैक्टीरिया भूख से मर जाए। ऐसे फूड्स खाएं जो गुड बैक्टीरिया का निर्माण करने में मदद करे और आंत की अंदरूनी त्वचा को दुरुस्त रखे। असल में पैकेट से निकली हर चीज से दूर रहे। अपने दिन की शुरुआत पानी के साथ करें। पीने का पानी, खासकर खाली पेट गुनगुना पानी, पाचन की शुरुआत के लिए मददगार होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करने और भोजन को बेहतर तरीके से पचाने में मदद करता है। खाने में डाले ये मसाले: जायफल आंत की मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने में मददगार होता है जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। केसर, लौंग और हल्दी सूजन कम करने और रोगाणुओं से आंत का बचाव करते हैं और तुलसी पूरे सिस्टम को डिटॉक्स करती है। इस डाइट पर अमल करें। 3 दिन में आंत की सफाई: सुबह सवेरे 1 कप गर्म पानी आधे नींबू के साथ और 1 बूंद शहद, 2 गिलास सामान्य तापमान वाला पानी जिसे रात भर तांबे के बर्तन में रखा गया हो, ये चम्मच व्हीटग्रास, 5 पत्ती तुलसी और 1 चम्मच ताज़ा एलोवेरा। इसके बाद 1 चम्मच जिंजर टी और रात भर भिगोए हुए 5 बादाम। ब्रेकफास्ट: पोहे के साथ घर में बनाई दही या चौलाई बादाम मिल्क के साथ करें। मिड मॉर्निंग: पोहा के साथ घर में बनाई दही या चौलाई बादाम के मिल्क के साथ करें। लंच: मौसमी मिक्स वेजिटेबल सलाद के साथ सब्जी की खिचड़ी और दही। शाम का नाश्ता: कच्ची सब्जी प्लस ग्वाकामोल, घिसा हुआ एवोकाडो, कटे हुए टमाटर, नींबू का रस, अदरक, धनिया और मसाला का मिश्रण। डिनर: मिक्स मौसमी सब्जियों के सलाद के साथ सब्जियों की खिचड़ी और दही। डिनर के बाद ग्रीन टी और 2 अखरोट।